गाइस, तो आज बनाऊंगी मैं पनीर टिक्का। तो बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार होता है। तो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब मैं लूँगी इसमें 3 चम्मच बेसन। बेसन को मैं 1 से 1.5 मिनट तक भून लूँगी, फिर इसे एक साइड में रख दूँगी। फिर लूँगी मैं 1 कप दही। दही को आप छान लीजिए कपड़े से या छन्नी से, इससे पानी वाला दही नहीं लेना है। फिर मैं लूँगी एक बॉयल, बॉयल में दही डाल दूँगी और मैं इसे फेंट लूँगी। दही को अच्छे से फेंट लें आप। फिर लूँगी मैं कुछ मसाले। तो मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। फिर लूँगी मैं लाल मिर्च, बेगी लाल मिर्च लूँगी, इससे जो कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून लूँगी मैं गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, काला नमक। तो इस तरह से अब मैं लूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हाथों से क्रश करके डाला है, तो इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। फिर लूँगी मैं जो बेसन भुना था ना मैंने मस्टर्ड ऑयल के साथ, मैं उसे भी मिक्स कर दूँगी। सारे मसालों को मिक्स कर दूँगी। अब लूँगी मैं कुछ सब्जियाँ जो मैंने चॉप कर लिए, इस तरह से मैंने स्क्वायर में काटा है, ऐसे ही काटिए आप। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक टमाटर लिया है, 2 शिमला मिर्च लिए और 250 ग्राम पनीर है, ये 250 से 300 ग्राम पनीर है। मैं सारे जो पनीर है ना, पनीर सब्जी, ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस तरह से, क्योंकि इसमें सब्जी में मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से ही आना चाहिए, क्योंकि इसमें टेस्ट सारा मसाले का ही रहता है। फिर इसे आप 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा ना, जो मसाले हैं सारे कोट हो जाएंगे सब्जियों में और पनीर में। फिर मैं लूँगी सीखें, तो मैं एक एक करके सारी सीखों को तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसानी से झटपट बन जाती है। आपके पास गोल हो या फाइबर वाली सीख हो या कोई भी सीख हो चलेंगी। तो आप इस तरह से सारी सीखें तैयार कर लीजिए। फिर मैं लूँगी फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में मैं लूँगी बटर, हल्का सा बटर लगाऊँगी और मैं एक एक करके सारी सीखें रख दूँगी। तो इस तरह से सारी सीखें सीख जाएंगी। अगर आपको होटल वाला वो फ्लेवर चाहिए तो आप गैस के ऊपर थोड़ा सा कूलर डाल के ऐसे भी सीख